असलकम वाला वबरकु अलहदुल्ला वसलात वसलाम रसोल्ला वाल आल वसाभ ही अजमैन अम्माबाद हम आज के इस मुख्तर दरस में जो हज के दौरान कई लोगों की मौत हुई और जो ख़बरें आ रही है जो गर्मी की वजह से और कई बार इस मौजू को लेकर बहुत लोग बात कर रहे हैं यहाँ तक आके बाद गैर मुसलमान भी इस मौजू पर तबसरा कर रहे हैं बातें कर रहे हैं तो मैं उस तल्लुक़ से चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ सबसे पहली बात तो ये कि मौत तो एक इंसान को एक ना एक दिन आनी है और उसका वक्त मुकर है लिखा हुआ है इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि एक नेक काम करते हुए किसी को मौत आ जाए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है सबसे पहली चीज तो ये दूसरी चीज अगर देखेंगे कि कितने मिलियन लोग वहां जाते हैं सालों साल से कितने मिलियन लोग हर साल हर साल जाते आए हैं और किसी एक साल में ऐसा हुआ और पीक समर यानी समझ लीजिए जब टेम्परेचर पचास डिग्री से ऊपर चल रहा है और जो लोग वहां हज के लिए जाते हैं वो कौन से लोग अक्सर जाते हैं अक्सर बुजुर्ग उम्र वाले जाते हैं जिनके अंदर खुद ऑलरेडी कई सारी बीमारियां होती कोमोबिटीज होती है जो ऐसे भी एक तरह से देखें तो एक रिस्क स्टेज वाले लोग होते हैं अब उसके अंदर अगर किसी की मौत हुई और एक नेक काम करते हुए एक जिंदगी का एक अहम सफ़र करते हुए तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से इस सफ़र को ही बदनाम किया जाए या कोई इसके खिलाफ बात करे लेकिन यहां पर हम सबके लिए सीखने वाली भी चंद बातें हैं सबसे पहली चीज़ जो मैं आप सबके सामने बात बोलना चाहता हूं वो ये कि हमारे यहां खासतौर से हम इंडिया में माहौल जो देखते हैं कि बुजुर्ग माँ बाप बहुत बुजुर्ग और उनको माँ बाप को अकेले भेज देते हैं कोई साथ में नहीं जाता ये क्या बात है यानी कि ऐसा लगता है सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा और वहां जाके अचानक खुद ब खुद ऐसे मतलब कुछ हो जाएगा और खुद ब खुद सब चीजें हो जाएगी कि ऐसा नहीं लगता कि बुजुर्ग माँ बाप को अगर कोई भेज रहा है तो बच्चों में से भी कोई अगर सेहतमंद हो जवान हो और जाए वो भी साथ में खिदमत करे सवाब पाए उसकी भी हज हो जाएगी जवान लोग क्यों नहीं कर सकते भाई बूढ़े होने के बाद ही करेंगे हज ये बात भी क्या है तो साथ में वो भी हज कर ले सकता और हमारे यहां लोगों ने ऐसा सोचा है हज 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 का सफर यानी दिन 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 हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हज कितने दिन है हज कितने दिन है है कितने कितने बताइए असल तो देखेंगे तो पांच दिन या छह दिन ये हज है पांच छह दिन का सफर है एक्चुअल और अलहमदुल्ला अभी ऐसे पैकेजेस यहां इंडिया में भी मिलते हैं चौदह दिन सोलह दिन बीस दिन का हज का सफर तो उसके अंदर बीस दिन का पैकेज आप लेके जाइए कॉस्ट भी थोड़ा कम हो जाएगा उसके अंदर तो यह भी एक पॉसिबिलिटी यह भी एक चांस है तीसरी चीज हम यह देखते हैं इसके ताल्लुक से दूसरी चीज बल्कि इसके अंदर अगली बात यह कि एक चीज जो लोगों के अंदर है कि भाई क्या इसके अंदर लीगल जो तरीका है हज का कि वहां से जो गवर्नमेंट की तरखीज के साथ उसके रजिस्ट्रेशन के साथ उसके लाइसेंस के साथ क्या वो तरीके से ही जाना चाहिए अब जैसे मैं आपको बताऊं मुझे एक हज टूर वालों का बारे में पता चला वो लोग हज करके आए पूरे टूर पूरी टूर मार्केट से कम भाव में लेकिन हज की ऑफिशियल वीजा नहीं विजिट वीजा के साथ गए साठ दिन का सफर किए लोगों ने उसमें से बीस दिन वो कहते हैं हमें लॉक करके रख दिया था कहीं क्योंकि बाहर नहीं जा सकते बाहर पकड़ रहे थे और जो मेन हज के दिन है उसमें मिना में खेमा नहीं अरफात में खेमा नहीं अब ऐसे लोग क्या रिस्क रीजन में नहीं आते क्या ऐसे लोगों को सनस्ट्रोक होने का या फिर ऐसे हादसात में शिकार होने का ज्यादा चांस नहीं हो जाता है क्या ऐसा नहीं लगता है कि वहां पे कितने लोग जा रहे हैं कम से कम एक ऑफिशियल कैलकुलेशन उनके पास वो गवर्नमेंट के पास भी होना चाहिए कि हां इतने लोग आ रहे हैं उतने लोगों का इंतजाम कर रहे हैं अब पता चल रहा है इतने लोग आ रहे हैं इतने लोगों का इंतजाम है और आ रहे हैं इतने सारे विजिट वीजा वगैरह लेकर तो यहां पर कई सारे लोग जो ये सेटिंग वाला काम करते हैं ना तो इसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं होते फिर वो प्रॉब्लम जो होते हैं क्या इसके अंदर ये चीज हिस्सा नहीं है ये सोचने वाली बात है हम सबके लिए एक और चीज हम देखते हैं अल्लाह तरमाया वो तजवदू के ज्यादे राह ले लो खैर तकवा बेहतरीन ज्यादा राह तकवा अब ज्यादा राह ले लो तो क्या खुद भी कुछ ज्यादा राह का इंतजाम नहीं करना चाहिए कि खुद भी भाई यहां पर यह चीज़ है सब चीज़ उनके ऊपर डिपेंड हो जाओ मतलब वहां पर अभी मीना के दिनों में अरफात के दिनों में भाई वहां पर मिलेगा मिलेगा भाई खुद भी तो कुछ इंतजाम करो अल्लाह ने नहीं कहा कि बस डिपेंड हो जाओ खुद भी तो कुछ ज्यादा राह लो खुद भी कुछ कैलकुलेशन करो कि यहाँ पे मेरे पास पानी इतना होना चाहिए यहाँ पे खाना कुछ होना चाहिए ये चीज़ होनी चाहिए अच्छा आप देखेंगे कि शरीयत के अंदर बहुत सारी आसानियां भी हैं सोचिए अगर कोई बुजुर्ग है वहां जा रहे हैं जमरात पे जाना आना अब उसके अंदर वहां जाना इतने किलोमीटर आना जमरात पे कंकर मारने में आजकल रिस्क नहीं है एक जमाने में जमरात पे कंकर मारने में भी रिस्क बहुत हुआ करता था कि वहां पे स्टैम्पीड वगैरह हुआ करता था आजकल अलहमदुल्ला वहां बहुत आसानी से हो जाता है लेकिन जाने आने में इतने किलोमीटर जो चलना है उसमें तो एक रिस्क होता ही है खासतौर से बुजुर्ग हो तो और जाने में रिस्क तो है ही तो वो किसी और को दे सकते हैं नियाबत कर सकते हैं किसी और को दे सकते हैं कि आप मेरी तरफ से मार दो सहलतें बहुत सारी हैं दस तारीख को तवाफ़ी फादा नहीं कर सकते ग्यारह को कर दो बारह को कर लो आगे कर लो उसके अंदर कोई टाइम लिमिट भी बाज़ल ने तो कहा है पूरे जिलहिजा तक की टाइम लिमिट है तवाफ़ी फादा की तो हम यह कहते हैं कि यहां पर जो सहूलतें हैं वो लोगों को पता नहीं है और ना होने की वजह से क्या क्या करते हैं लोग बाज लोग ये समझते हैं अरफात के दिन वो जबले रहमत के ऊपर चढ़ने में बहुत सवाब है अब एक भाई के बारे में पता चला उनको यही पता था कि भाई जबले रहमत पे चढ़ना है और चढ़ने में बहुत सवाब है जबले रहमत को देखते हैं ना वाइट दिखता है जो अरफा के दिन वाइट दिखता है क्यों क्योंकि इतने सारे लोग वहां चढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं हालांकि वहां चढ़ने में कोई सवाब नहीं हाँ कोई ऐसी खास नहीं नबी सला ने फरमाया जबले रहमत पर नहीं खड़े थे उसके करीब खड़े थे और कहा कि मैं यहाँ खड़ा हूं लेकिन पूरा अरफात खड़े होने की जगह है अल्लाह के रसूल सलाब ने फरमाया फिर भी लोग पूरी मेहनत करके धूप में ज्यादा लंबा फासला चलना है क्योंकि मामला क्या आपके खेमे से जबले रहमत तक चल के आना धूप का वक्त हाँ तो ये क्या है मामला ऐसी पहलवानी में भी तो लोग अपने आप को रिस्क एरिया में डालते हैं ऐसी चीज जो गैर साबित शुदा है बाज लोगों को ही पता है भाई धूप में खड़े होकर दुआ करेंगे क्यों भाई खेमे में बैठ के दुआ कर लो दुआ है आपके आप करिए मतलब ये क्या है कि धूप में खड़े होने में कोई लगता है कि खास उसके अंदर अल्लाह ताला ज्यादा सुनेगा अगर धूप में खड़े रहेंगे तो ऐसी बात नहीं है फिर ऐसी चीजों में रिस्क में डालते भाई पचास डिग्रीज का टेम्परेचर चल रहा था फिफ्टी डिग्रीज का टेम्परेचर था तो खुद कुछ ना कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन हम लोगों को भी तो लेना चाहिए ज्यादा राह ले लो ज्यादा राह के अंदर क्या छतरी नहीं हो सकती है क्या कोई साथ में किसी और को लेना नहीं हो सकता है ये सारी चीजों से क्या रिस्क मिनिमाइज करने में हम सब भी तो जरिया बन सकते हैं आखिर दो बातें कहकर खत्म करूंगा पहली बात ये कि अगर तकलीफ हुई भी ना किसी को हज में तो आके यहां बातें मत करो प्लीज क्योंकि बात करने से क्या होता है अरे इतनी तकलीफ थी इतनी मुश्किल थी मतलब क्या है वो बता रहे हैं कि बहुत मुश्किल थी और हम करके ये तीर मार के हम आए हैं अभी तो इसमें एक तरह से इखलास पे भी तो असर आ रहा है और एक चीज है कि भाई हो सकता है कई लोग जो अगले साल हज करने जाने का सोच रहे थे वो सब तकलीफ सुनकर उनका हौसला थोड़ा कम हो जाए ऐसा भी तो होता है ना और आखिरी बात ये कि हज का सफर है भाई आप देखो अल्लाह तुम कुरान में फरमाया कि अल्लाह ताला ताल फरमाया कि लोग मिन कुल्ली फजिन अमीक हर तंग रास्ते से लोग आएंगे आज जब देखते हैं ना दुनिया के कोने कोने से लोग आ रहे हैं मतलब ऐसे ऐसे लोग दिखते हैं वहां पर कि आप सोच नहीं सकते अरे ऐसे इतने सारे किस्म के लोग कोने कोने से कौन सोच सकता था चौदह साल पहले आयत हुई तभी तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था लेकिन हो रहा है आज और ये किसे पता हो सकता था के कायनात जिसको हर चीज की खबर है वही तो जानता है ना और वही चीज है अरे कितने सारे मुजुजे कितने सारे फायदे हैं हज के सफर के लेकिन ये चीज के अंदर मैं आखिरी बात तो ये कहूँगा कि भाई वो जिंदगी के रिस्क वाले मरहले का क्यों इंतजार करते हैं लोग पहले ही भी हज करें ना तो भी इसके फिगर्स जो आते हैं ये कम हो जाएंगे कि नहीं होंगे अगर सारे जवान लोग जवानी में ही पहले आगे हज करके फर्ज हज कर लें तो क्या वो चीज फिगर कम नहीं हो जाएंगे और मौत कभी बुढ़ापे से पहले आ गई तो ऐसा तो नहीं होगा कि भाई हज करने का वक्त था लाजिम था और किया नहीं हज तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे कर्ज बाकी नहीं रह जाएगा इतने सारे फायदे से महरूम जिंदगी निकाल रहे हैं पता है आपको एक एक टी शर्ट मैंने देखा हज चेंज मी हज चेंज मी हज ने मुझे बदल दिया लेकिन वो बदलने का वक्त क्या बुढ़ापे से पहले कब्र से पहले 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 नहीं कर लेना चाहिए सेहतमंद हो जब ताकत है और काफी कुछ चलना पड़ता है भाई अच्छी तरह से कर सकते हैं तो ये चीज़ मैं आप सबके सामने नहीं बात है कि जिसने हज अभी तक नहीं किया बहुत बड़ी चीज से महरूम है अभी तक और जिसको मौका मिला अल्लाह ताला उसकी हज को कबूल फरमाए आमीन रब्बिल आलमीन ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जजाकल्ला खैरन